डिब्रूगढ़ के संवाददाता रिपुंजय दास के साथ जानेंगे वहाँ कैसा है माहौल क्रिसमस को लेकर। जी रिपुंजय, आप कहाँ उपस्थित हैं इस वक्त और कैसा है माहौल, क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, जरा हमें बताइए। जी हाँ, अभी हम उपस्थित हैं डिब्रूगढ़ के बिशप हाउस में, जहाँ ये पूरा माहौल जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से चमकाया हुआ है, चारों तरफ रोशनी है यहाँ। और क्रिसमस जो है इसका त्यौहार अभी यहाँ शुरू हो चुका है, 6 बजे प्रेयर के साथ और 5:30 बजे जो था उसका जो प्रोसेशन था, वो प्रोसेशन के बाद जो कैथेड्रल के अंदर जो यहाँ के जो बिशॉप्स है, जो पुरोहित है, वो उनका आगमन हुआ। बड़ा ही रंगारंग और बड़ा ही दिलचस्प तरीके से पूरा जो कैथेड्रल है, चर्च है, इसके आसपास के इलाकों को बड़ी ही सुंदरता के साथ सजाया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ जो आके शामिल हुए हैं, और लोग अब यहाँ यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फिर यहाँ पूजा अर्चना उनके प्रति प्रेयर्स किए जा रहे हैं यहाँ। और ये एक अनोखा दृश्य हम दिखाना चाहेंगे। असम में क्रिसमस का त्यौहार है और इस पूरे जो सजावट है इसका शुरुआत किया गया है। ऊपर में आप देख सकते हैं ऊपर में किस तरीके से एक जापी रखा गया है, मीन्स ट्रेडिशन का एक भाग है। तो इस जापी के नीचे ही पूरा जो यीशु, प्रभु यीशु का जो जन्म की जो दास्तान है उसको बड़ी ही सुंदरता के साथ, और जैसे जैसे उनका प्रभु यीशु का जन्म हुआ था एक जो एक तबेले में, वहाँ जो जिस तरीके से पशुपालक और उनके साथ और भेड़ जो बकरियाँ जैसे थे उसी को दर्शाते हुए इसको बनाया गया। बड़ा ही अनोखा नज़ारा है और यहाँ लोग काफ़ी संख्या में आज जुटे हैं। हम जानते हैं कि विगत 2 सालों से कोविड की वजह से क्रिसमस का त्यौहार जो था वो बड़ा ही सीमित तरीके से मनाया गया था, क्योंकि क्रिसमस के साथ लोगों का जमावड़ा भी होता है, तो उसको ना होने के कोविड की वजह से उसको ना होने के लिए क्रिसमस के दौरान बहुत ही कम संख्यक लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। तो उसके चलते लोगों में बहुत इतना खुशी तो था, लेकिन जो पूरा माहौल जो था वो पूरा एक सहमा हुआ था, बड़ा ही शांतपूर्ण था। लेकिन इस साल 2 साल के बाद फिर से कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए, SOP को मानते हुए क्रिसमस का आयोजन किया गया है। हम जानना चाहेंगे सर, क्रिसमस का माहौल है क्या कहना चाहेंगे? Yeah, definitely. It's very well planned Christmas. The church, the Bugatti church has been, the Catholic church has been organized. It's very beautifully organized. After I think of last year, this could not be organized in such a manner. So definitely, there's much more, very beautifully organized. And they are celebrating the Mass, I think, the day before time because of the keeping in mind the COVID protocols. And what I have seen here is that really is very appreciable and it's very well planned, very well well executed. It's a very fine assets. यहाँ काफी मात्रा में है और बड़ा ही डिसिप्लिन की तरह प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहना चाहिए? और हम वही बोल रहे हैं, आपको देखिए यहाँ में जितने आदमी के लोग इकट्ठा हुआ है, सब चार्ज के भीतर भी हम देखे हैं, इन बेस ऑफ वेल डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन कोविड का प्रोटोकॉल लोग मानकर ये कर रहा है, ये देखने वाला चीज़ है। इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज, कहीं में जो आपको रश वगैरह ऐसे नहीं है, है आदमी है लेकिन दे हैव टेकन केयर ऑफ देमसेल्व्स। ओके, तो लोगों का यही कहना कि बड़े ही सुनियोजित तरीके से, हम थोड़ा सा अंदर का दृश्य भी दिखाना चाहेंगे जल्दी से, अंदर किस तरीके से प्रार्थना चल रहेंगे, हालांकि हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे क्योंकि अभी प्रार्थना चल रहा है अंदर, और ये प्रार्थना जो है पूरा रात भर चलेगा। और यहाँ सभी लोग, जैसे हमने कहा कि बिशप के साथ ही और सभी लोग यहाँ में उपस्थित है, और यहाँ से हम थोड़ा कोशिश करते हैं
जो प्रार्थना है उसको दिखाने के लिए लाइव हमारे दर्शकों के लिए, नॉर्थ ईस्ट लाइव के दर्शकों के लिए डिब्रूगढ़ से के किस तरीके से उसको सजाया गया है और किस तरीके से पूरा माहौल को एक बड़ा ही रंगीन रूप दिया गया है।